हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टैक्स अवर्ड के सब। यहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री द्वारा एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि अगर आप बिहार के बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले हैं या मजदूर हो या स्टूडेंट हो, तो आप किस तरह ऑनलाइन आवेदन करके बिहार रिटर्न आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। चलिए जानते हैं वो फॉर्म किस तरह हम लोगों को फिलअप करना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर जैसे क्लिक कीजिएगा। मैं फिलहाल राजस्थान का ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको अगर दूसरे स्टेट से फंसे हुए हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राजस्थान के जगह दिल्ली में फंसे हुए हैं दिल्ली दे देना पड़ेगा, या पंजाब दिन फंसे हुए हैं तो पंजाब दे देना पड़ेगा। जो स्टेट में फंसे हुए हैं यहाँ पे राजस्थान के जगह वहाँ पे वो दे देना है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे सब कुछ सही है, रूल एंड कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे जैसे राजस्थान है तो यहाँ पे आपका अगर दिल्ली में दिल्ली आ जाएगा। उसके बाद आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है, कौन सा डिवीजन में पड़ता है आपका, उसके बाद स्टेट कौन सा है वहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसके बाद तहसील कौन सा है वहाँ पे उसका सेलेक्ट करना, पंचायत सेलेक्ट करना और एड्रेस देना है, ठीक। एड्रेस जो है आपको इंग्लिश में भरना पड़ेगा, हिंदी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक। उसके बाद आपको जाना कहाँ पे है बिहार में, ठीक। तो यहाँ पे जैसे स्टेट है तो स्टेट आप यहाँ पे बिहार दे दीजिएगा, सेलेक्ट कर दीजिएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट दे दीजिएगा, उसके बाद एड्रेस दे दीजिएगा, मतलब किस एड्रेस पे आपको जाना है, ठीक। इतना फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना नाम देना पड़ेगा, जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका, अपना एज सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेन बात आती है, ये क्या है, ऑन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। अगर आपके पास अपना गाड़ी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यस करने के बाद आपको गाड़ी का कुछ डिटेल मांगेगा, वो भरना पड़ेगा, अन्यथा नहीं है तो यहाँ पे नो करके सबमिट कर सकते हैं। नो करिएगा, नो करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे चिन्ह लगा दीजिएगा, चिन्ह लगाने के बाद आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ये जरूरी नहीं कि आप तुरंत चला आइएगा बिहार, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कंडीशन है कि आपको कुछ दिन बाद जो है एक मैसेज प्राप्त होगा, नंबर जो दीजिएगा उस पर मैसेज प्राप्त होगा, उस पर जो है पता चले, एड्रेस दिया रहेगा कि आप कहाँ पे आइए और गाड़ी पकड़िए और जा सकते हैं आप अपना बिहार, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग आ सकते हैं, मतलब वेट करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी। तो इस तरह से आप लोग, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो मुझे कमेंट करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।